हेलो एवरीवन, आज है 21 जनवरी और आज हम एक ऐसे शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें आज 20% की भयंकर तेजी देखने को मिली है। उसका रीजन भी है कि डीमार्ट, जिसको हम सब जानते हैं, वो शेयर आज 2,000 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। उसके जो सबसे बड़े प्रमोटर है राधा कृष्ण दमानी, उन्होंने एक और कंपनी है, रिटेल कंपनी ही है, उसमें 2% की हिस्सेदारी खरीदी है। और इस न्यूज के चलते आज स्टॉक जो है बहुत ही ज्यादा बड़ी तेजी पर पहुंच चुका है। तो वो स्टॉक कौन सा है और उसमें हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम बात करें। उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा है उसका नाम है स्पेंसर रिटेल। तकरीबन 90 रुपए तक ये शेयर आ चुका है। आज आप देखिए 20% की शानदार तेजी है, 15 रुपए अप रहा है ये शेयर। उसका प्रीवियस क्लोज देखिए 75 रुपीज से भी कम था, 74 रुपीज के आसपास का प्रीवियस क्लोज था, आज 90 रुपए तक पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं एक ही दिन में 20% की तेजी सिर्फ एक खबर के चलते। पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में 43% की भयंकर तेजी है। अगर आप देखिए, ज्यादा दूर भी अब मैं आपको नहीं लेके जाऊंगा, सिर्फ एक हफ्ते पहले, मतलब 7-8 दिन, 8-9 दिन पहले ये शेयर 59 रुपीज के आसपास ट्रेड हुआ करता था। एक महीने की बात करें तो 54 रुपीज तक का लो यहाँ पर है और आज 90 रुपए तक पहुंच चुका है। आप देखिए बहुत ही कम वक्त में बहुत बड़ी रैली हमें यहाँ पर देखने को मिली है। पिछले एक साल की बात करें तो एक साल का डेटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि कंपनी इतनी पुरानी नहीं है, लेकिन आप देखिए 212 रुपए तक का लो है, सॉरी हाई है, और 54 रुपए तक का लो है। देखिए गिरावट आई, फिर थोड़ी बहुत तेजी, और सिर्फ गिरावट ही चल रही थी शेयर में, लेकिन अब यहां से लगता है कि शायद शेयर ने वापस से पिकअप पकड़ा है। एनएससी में देखेंगे तो 1,11,00,000 से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिला है। और तो और, अगर हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग की, तो प्रमोटर के पास 53% से भी ज्यादा की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 8.34% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 8.95% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस फंड के पास 3.25% की होल्डिंग है। आप देखिए प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग 53% के करीब है और 12% की इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग देखने को मिल रही है। मैं आपको अगर उसकी वेबसाइट पे लेके जाना चाहूंगा तो वेबसाइट कुछ इस तरीके से है। आप देखिए ये इनकी वेबसाइट है, कुछ इस तरीके से है इसकी वेबसाइट, जहां पर जैसे कि आप देख सकते सारी चीजें वहां पर अवेलेबल है, चाहे फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रोसरीज, ऑर्गेनिक फूड, बेकरी, कॉफी, टी, पैकेजिंग फूड, इंपॉर्टेंट गारमेंट, पर्सनल केयर, मतलब जो चीज आप एक मॉल में देखना चाहते हैं वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। और आपको बता दें कि इनके एग्जिस्टिंग मॉल्स भी है और ऑनलाइन भी इनकी काफी सारी प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएगी, तो वाकई में एक अच्छा बिजनेस जरूर कर रही है। आपको बता दें कि डीमार्ट जो है, जो 2,000 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है और जिसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी राधा कृष्ण दमानी के पास है, वो इसी तरीके के बिजनेस, मतलब स्पेंसर भी उसी तरीके का बिजनेस कर रहा है, लेकिन वो डीमार्ट काफी बड़े लेवल पर है और उनकी बात कुछ और है। लेकिन स्पेंसर्स को भी एक साल भी नहीं हुआ है मार्केट में लॉन्च हुए और काफी गिरावट थी, अब धीरे धीरे ऊपर भी ये शेयर उठ रहा है। अगर हम बात करने जाएंगे खबर के ऊपर, तो देखिए 2% का जो स्टेक है वो इन्होंने खरीदा है राधा कृष्ण दमानी ने। स्पेंसर में 20% की तेजी इसीलिए देखने को मिली है क्योंकि देखिए जो बड़े इन्वेस्टर है डीमार्ट के, प्रमोटर जो रह चुके हैं राधा कृष्ण दमानी, उन्होंने कितने शेयर्स खरीदे, 16-16 लाख से भी ज्यादा के शेयर्स खरीदे हैं, और लास्ट क्वार्टर एंड, मतलब दिसंबर क्वार्टर के एंड में इन्होंने ये शेयर खरीदे थे। और उनकी लेटेस्ट होल्डिंग पे अगर हम देखने जाए तो 2.09% स्टेक है कंपनी में ऑन December 31st, और लेकिन वो एक की इन्वेस्टर, की स्टॉक होल्डर नहीं है, उनसे भी काफी ज्यादा लोगों ने इसमें होल्डिंग खरीदी है, बनाई है। तो एट प्रेजेंट द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म इज होविंग 680 करोड़, अगर हम बात करें प्रेजेंट में तो 680 करोड़ के आसपास की उनकी मार्केट में देखने को वैल्यू मिल रही है। तो अच्छा स्टॉक जरूर कह सकते हैं और रिटेल स्टॉक है ये। यहाँ पर अगर हमें आपको मनी कंट्रोल में ले जाऊं तो देखिए शेयर्स में तेजी जरूर देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 83% लोग इसमें खरीदारी करने के लिए कह रहे हैं, 15% लोग इसमें बेचने के लिए कह रहे हैं और 4% लोग इसमें होल्ड करने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए कर्जा इनके ऊपर 1 रुपए का भी नहीं है।
एक रुपए का भी कर्जा यहां पर नहीं है, और यह वाकई में बहुत ही अच्छी बात है कि कंपनी के ऊपर एक रुपए का भी कर्जा नहीं है। हालांकि सितंबर क्वार्टर में इनको लॉस हुआ था, 15 करोड़ का इन्होंने लॉस बुक किया था। और अगर हम बात करने जाए तो इसके पहले के जो क्वार्टर्स थे वो भी कुछ खास नहीं रहे थे, हम मुश्किल से 2 या 1.5 करोड़ का ही इनको प्रॉफिट हो रहा था। तो डेफिनेटली दिसंबर क्वार्टर देखने लायक होगा क्या कि कितना प्रॉफिट ये लोग बुक करते हैं और क्या किस तरीके की सिचुएशन हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करूंगा। मैं यही कहूंगा और वीडियो खत्म होने से पहले से यही कहूंगा कि राधा कृष्ण दिमानी ने शेयर खरीदा, इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी आंख बंद के इसमें खरीदारी करें। वेट करें, वॉच करें, पहले शेयर्स को थोड़ा बहुत स्टडी करें। जैसे कि मैंने कहा कि नतीजे उतने अच्छे इनके नहीं है, लेकिन फिर भी रिटेल का स्टॉक्स है और काफी बढ़िया मार्केट वैल्यू भी इनकी रखता है ये मार्केट में, कर्जा इनके ऊपर नहीं है। और दूसरी बात, दिसंबर के नतीजे जो आएंगे वो सबसे पहले देखने लायक होंगे, उसके बाद आप कोई फैसला लीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज अभी इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।